आई होप आप लोग को ये टाइम लैप्स पसंद आएगा. एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. अंदर चल के व्लॉग करते भाई, ऊपर गाने चल रहे हैं. What's up guys, welcome back to the channel and bhai this is day 2 in Bheemtal and kal ka din bahut mazedar tha jo main apne pichle vlog mein bata chuka hu aur isko dekh lo. Subah 6 baje utha diya, kehta sunrise dekhenge, sunrise dekhe. Agar sunrise wala maine time lapse isme add kara na to ab tumhe pata chalega 15 minute subah baith rahe 6 baje uth ke. 5:50 pe alarm lagaya tha na. Ha to abhi ka scene ye hai, abhi hum jayenge bike saaf karne. हाँ, पहले हम जाएंगे बाइक साफ करने, हेलमेट साफ करने, देन आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं. तो पहले चलते हैं और बाइकें साफ करते हैं, मतलब अपनी बाइक साफ करते हैं. तो भाई पहले कर लेते हैं बाइक साफ, बिकॉज सुंदर दिखना जरूरी है ना, अपनी जान है तो उसको अच्छे से रखना जरूरी. तो भाई बाइक वॉशिंग कंप्लीट हो गई है, अब करते हैं बाइक स्टार्ट. सुबह गंगा भैया एक बात बताओ, देखो मैं बोलने वाले कह रहा था, सब को भैया बोलता तो क्या कह रहा है तो मेरे को जो बोलने वाले आवाज में स्टार्ट करके फिर इसकी आती है. तो भाई लोग देखो एकदम स्टार्ट करते आवाज आनी शुरू हो गई. इसे कहते हैं भाइयों का यार, भाई ने चेंज कर लिया प्यार देखिए उसका पेमेंट करना चाहता था मेरी. तो भाई आजकल थोड़ी फेमस हो रखी है कुछ लोगों की टेनर, तो आपको साउंड सुना देते हैं एक बार. अर्ली मॉर्निंग साउंड, अर्ली मॉर्निंग 12 बजे की अर्ली मॉर्निंग. बहुत ज्यादा लाउड है भाई. तो भाई अभी चल रहा है फोटो सेशन, बिकॉज लोकेशन इतनी अच्छी है. एंड आज मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन वीडियो, जो इतनी डिटेल में नहीं बनाने वाला, ट्राई करूँगा जितनी अच्छी हो सके बनाने की. तो भैया ये निकल रही है हमारी टोली, बाकी लोग चले गए हैं एंड सारे की जो बाइक से आए थे वो भी गाड़ी में. बट भाई हमें तो कंटेंट शूट करना है आप लोगों के लिए, तो हम तो बाइक से जाएंगे. मैंने ट्रैक्शन मैक्सिमम पे कर दिया है, बिकॉज भाई न्यू राइडर हूँ तो थोड़ा बेटर ही है कि इस पे थोड़ा सा रिलाई करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे. पैसा खर्चा है तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करने तो बनते हैं. एंड दूसरा ये व्यू देखो यार, इट्स ब्यूटीफुल. यहाँ मैं एक दो फोटो खिंचवाऊंगा शाम को आके, बिकॉज बहुत सुंदर लग रहा है. नैनीताल ना बहुत कमर्शियल हो गया है एंड उसके कंपेरिजन में भीमताल आई थिंक इज मोर क्वाइट. तो भाई ये रूट काफ़ी अच्छा लग रहा है भीमताल से नैनीताल का. एंड हमारे आगे शशांक भैया लीड कर रहे हैं और भाई वो क्या लीन करते हैं, पहाड़ों में नहीं छोड़ते भाई, वो बहुत तगड़ी लीन है उनकी. वो भी होना भाई, वो देखो. और हमारे पीछे भी है दो टेनर्स और एक ड्यूक, मज़ेदार. हमें भी ओवरटेक करना तो भैया हमें डर लगता है, नए राइडर है. बट ओवरऑल दिस रोड इज वेरी गुड, मतलब भीमताल से नैनीताल का रूट बहुत अच्छा है. शुरू का थोड़ा सा खराब था बट देन दिस रूट इज वेरी गुड टिल नाउ. तो भाई अगर ओवरऑल हम बात करें कि आज का हमारा क्या प्लान है, हम लोग अभी जाएंगे नैनीताल. पहले हम सोच रहे नौकुचिया ताल जाएंगे, बट देन बाकी लोगों ने, ग्रुप ने डिसाइड करा कि विल गो टू नैनीताल, बिकॉज कुछ लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को वही जाना था. तो हम ट्राई करेंगे लंच के बाद जाने की, लेट्स सी. हमें तो ऐसा रूट बार बार मिल जाए बाइक चलाने को, तो हमें तो वही चाहिए. एंड अगर ऐसे रूट पर आए भी है, ब्यूटिफुल भाई साहब, ये देखो यार, ये देखो मज़ेदार. ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आने वाले हैं. जो मैं बोल रहा था कि अच्छा हुआ हमने ये रूट लिया, मुझे दूसरे रूट का पता नहीं था, बट देन जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज दिस रूट एंड द रोड इज़ वेरी गुड. ये छोटे मोटे पैचेस हैं बट भाई जस्टिफाइड है यार.
पे आप लोग को रिएक्शन दिखा देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सिटी एरिया है। ये देखो लोग कैसे देखते हैं, और ये देखो गाड़ियों में भी कैसे देख रहे हैं। वो देखो कैसे डरा नहीं सकते, पर ये देखो और भाई हिमाचल रोडवेज और उत्तराखंड रोडवेज, इन शॉर्ट कोई भी पहाड़ियों के बसों से पंगा नहीं लेने का। अगर वो आ रहे हैं और रोड आपको लग रहा है 19-20 का फ़र्क है, तो भाई साइड पे खड़े होके लगा लो, वो बेटर रहता है। तो भाई एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आया है, और सिंस हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं और हमें अच्छा कंटेंट बनाना होता है, उसके लिए हम अच्छी जगह रुकते हैं। एंड अच्छी जगह रुकते हैं तो उसके लिए तुम्हें दिखाते हैं कि व्यू कैसा आ रहा है और जो हमारी बाइक्स है वो कैसी आ रही है। क्या आप रेडी हो व्यू देखने के लिए और बाइक्स? तो ये देखो, स्टॉप जो हमने लिया था छोटा सा वो हो गया खत्म। वहां हमने खाई मैगी, एंड मैगी के साथ पी गरम गरम चाय, और ये वापस अच्छी सड़कें आ गई। मजा आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा नैनीताल सिटी, द ब्यूटीफुल नैनीताल सिटी। इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज। जस्ट गेट अ रिएक्शन, पीपल आर क्रेजी अबाउट सुपर बाइक्स। अगर बात करें तो हमारे इंडियन आर्मी, वी हैव रीच द मेन मॉल रोड। मुझे लगता है just look at the reaction of the people. हमें ऊपर नहीं जाना, ये देखो। I hope आप लोग को ये reactions दिख रहे होंगे, because बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे helmet पहन के और GoPro का angle estimate करके ढूंढना कि क्या। सर ये 3 लाख की है, average 2.5 है। हाँ ये देखो CNG लगी है, 4 सिलेंडर वाली, वहाँ 4 सिलेंडर निकल रहे हैं। हाँ जी, आपकी बाइक कौन सी है? नहीं, इस पे स्क्रैच लगेगा तो दिल पे स्क्रैच नहीं। हाँ 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 जी, क्या नाम है इसका? आर्मी नाम है भैया, आर्मी ने निकाली है ये। हाँ, स्पेशल लोगों को मिलती है ये। ये है कावासाकी निंजा, निंजा थोड़ी, उसमें हथौड़ी हटा के 1000।
भैया 2 लाख रुपए मेरे को मिलेगी 2 लाख में? हाँ नहीं आप नहीं, आप ले लोगे? नहीं 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 हम पहुंच गए हैं शेरे पंजाब रेस्टोरेंट, कहीं आसपास है, लोकेशन शायद आ गई होगी जो मैंने वीडियो शूट करी थी। एंड भाई अभी तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है, तो देने से पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो गोप्रो से आई थिंक रिकॉर्ड हुआ है। एंड अभी हम लोग करेंगे लंच, 2 या 3 बज रहे हैं तो लंच करना ज़रूरी है, लंच करने के बाद मिलते हैं। तो भाई लंच हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं मॉल रोड। खाना बहुत अच्छा था शेरे पंजाब का। हम निकल रहे हैं अब, सारे गाड़ियाँ भी आ गई हैं। एंड प्रॉब्लम यह है कि ठंड बहुत हो गई एंड मैंने 2 जैकेट पहनी है बिकॉज कपड़े वाली है, देखो एक ये एक उसके ऊपर 2। एंड इट इज़ गोना बी फन बिकॉज भाई रोड बहुत अच्छी है। तो भाई अब वापसी का रास्ता शुरू हो गया है एंड थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, आई होप आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, बट देन ओवरऑल द डे वॉज एक्सीलेंट। मज़ा आ गया भाई, मतलब यार मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, बट देन पहाड़ों पे बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही है। एंड थैंक गॉड मैंने 2 जैकेट पहन ली बिकॉज भाई ठंड बहुत तगड़ी हो रही है। ये देखो आवाज़ें शोर मचा रखा है लॉन्डों ने। तो भाई अंधेरा भी पूरा हो गया है तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ व्लॉग करने का बचा नहीं है, बट मुझे पता है आप लोग लिखोगे कि भाई देखना है देखना, मन तो कर रहा होगा क्योंकि चलाने भी मज़ा आ रहा है भाई बहुत। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद मिलेंगे सीधा होटल में। ये वो व्यू पॉइंट था जहाँ हम रुके थे मैगी के लिए। देखो भाई खिलाड़ी आदमी। इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं हम यहाँ पे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे तो पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। और भाई कल का व्लॉग वापसी का व्लॉग होगा तो ट्राई करेंगे जितना शूट करने को, बिकॉज सेम रूट है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी देखनी पड़ेगी, शायद ड्रोन शॉट्स ले, वो देखते हैं रास्ते में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।